हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी फिफ्थ सेम का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके हम दो पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम इस पेपर को चार पार्ट में सॉल्व करेंगे, और चार पार्ट में क्यों सॉल्व करेंगे उसका रीजन भी हमने कहा था, क्योंकि हमारे पास बीएससी फिफ्थ सेम में चार यूनिट आती हैं, जिसमें से हम फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका सोल्यूशन हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड यूनिट से जो क्वेश्चन आए होंगे उनका सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड यूनिट का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस यूनिट से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं 2019 के में, वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले हम क्या क्या सॉल्व कर चुके हैं और आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं। फर्स्ट का ए और बी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, कंप्लीट सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट फोर्थ क्वेश्चन एंड कंप्लीट फिफ्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट हमारा था उसमें हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे, अगर किसी को देखने हैं तो प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बीएससी का, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट का सी पार्ट जो कि थर्ड यूनिट से है, कंप्लीट सिक्स क्वेश्चन एंड कंप्लीट सेवन्थ क्वेश्चन आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट का सी पार्ट हमने करना है, व्हाट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, दो मार्क्स का था ये क्वेश्चन। इट इज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो भी मटेरियल होगा, आयरन है, वुड है, या जो भी मटेरियल है उसका क्या करेगा, नेचर को डिस्क्राइब करेगा। कैसे, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब आप जो मटेरियल लेंगे उस पर डिपेंड करेगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इट इज द ईज विच द मटेरियल अलाउ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। मतलब जो मटेरियल होगा वो अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फोर्स की लाइन को अपने अंदर पास करने के लिए अलो करेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और आप क्या कह सकते हैं, ये एक डिग्री है टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ए गिवन मीडियम। मैग्नेटिक फील्ड कितना पेनिट्रेट कर सकता है, कितने अंदर तक वो लाइनें जा सकती हैं उस मीडियम के। और मैथमेटिकली अगर हम कहें तो ये रेशियो होता है किस किस का, मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम बी से डिनोट करते हैं इनसाइड अ मटेरियल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। यहाँ पे आप इसको म्यू भी बोल सकते हैं और न्यू भी कह सकते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी को, जो किसके इक्वल होती है, बी बाय एच। बी होता है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एच इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, वट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिज्म अराइज होगा बाय द कपलिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम विद द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ हायर एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म होता है, ये डायमैग्नेटिज्म, जो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं उसके अंदर अराइजेस होता है। अब कैसे अराइज होता है, कभी कभी क्या होती है, जैसे अब लोअर उसकी बात करें, लोअर ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो वहां पे सारे के सारे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर होंगे। अब पेयर अप होंगे तो डायमैग्नेटिक होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट के साथ क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट के साथ कपलिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इसकी वजह से जो भी पैरामैग्नेटिज्म अराइज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। अब जैसे उसका मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे MnO4 नेगेटिव और Cr2O4 नेगेटिव, Cr O4 2 नेगेटिव। अब जैसे ये बात करें हम MnO4 नेगेटिव की, तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 3d5 4s2। बट अब यहाँ पे MnO4 नेगेटिव में अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7। अब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा और ये भी करेगा, तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनी, जो आर्गन की होगी, आर्गन की इट मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ये होगी यहाँ पे Mn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट ये क्या शो करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, TIP शो करता है। क्यों करता है, देखिए अब यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, बट जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो जो ये लोअर ग्राउंड स्टेट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कपल कर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट से, और वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, अराइज होता है। क्यों, क्योंकि ये जो
पैरामैग्नेटिज्म है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया। टेम्परेचर इंक्रीज हो या कम हो या ज्यादा हो, उससे इस पैरामैग्नेटिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्यूरी पॉइंट, या पॉइंट क्या होता है। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, नील पॉइंट और क्यूरी पॉइंट। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज नील टेम्परेचर या नील पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिए साथ के साथ। तो क्यूरी पॉइंट क्या होता है, अगर हम क्यूरी पॉइंट की बात करें तो जब ये पहले टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो क्यूरी टेम्परेचर से ही क्यूरी पॉइंट आता है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके अबव में, जिसके अबव जाते ही जो आपके फेरोमैग्नेटिक स्पीशीज हैं वो कैसे बिहेव करने लग जाए, पैरामैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करने लग जाए। मतलब ये अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये एक टाइम के बाद किसके जैसा बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। अब जिस टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, फेरोमैग्नेटिक स्पीशीज पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा जिसके अबव टेम्परेचर पे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्यूरी पॉइंट कहेंगे। ठीक है, क्यूरी आउट ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड वाई। अब अगर बात करें, आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जिंक का एटॉमिक नंबर देखें, दैट इज 30 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आर्गन 3d10 एंड 4s2। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट Cu कॉपर, तो एटॉमिक नंबर इज 29 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आर्गन 3d10 4s1। अब 4s1, अब Zn2 पॉजिटिव, व्हाट इज मीन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, इट मींस आप s से क्या कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करा देंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, आर्गन 3d10। वेयर एज अब यहाँ बात करें आप Cu2 पॉजिटिव के केस में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आर्गन 3d9। तो आप देख सकते हैं फिल करके कि आर्गन 3d9 को आप क्या करते हैं, फिल करते हैं तो कैसा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया, अनपेयर्ड। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो वो स्पीशीज क्या आता, कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। तो कौन सी पैरामैग्नेटिक होगी, Cu2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक एंड विच वन इज डायमैग्नेटिक, Zn2 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, आउट ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव विच वन इज कलरलेस एंड विच वन इज कलर्ड। जो पैरामैग्नेटिक होगा वो कलर्ड होगा, और जो क्या होगा, अनपेयर्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जो डायमैग्नेटिक होगा वो कैसा होगा, अनकलर्ड होगा, या हम कह सकते हैं कलरलेस होगा। ओके, तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेवंथ का ए पार्ट, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है बोर मैग्नेटॉन की फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बी और सी पार्ट भी करेंगे, दो मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है Nn+2, बोहर मैग्नेटोन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप बात करें Cu पॉजिटिव, पहले Cu की बात करें, कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आर्गन 3d10 4s1। वेयर एज जब प्लस वन कर देंगे आप, इसका मतलब आर्गन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आर्गन 3d10। अब 3d10 की अगर आप बात करें तो 3d10 को फिल कर लेते हैं हम एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूले में एन है, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। n की वैल्यू जीरो आएगी तो 0 × 0 + 2 का अंडर रूट करेंगे तो आंसर विल बी कितना, जीरो आएगा। तो यहाँ पे Cu पॉजिटिव के केस में बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी है, जीरो। वेयर एज Mn2 पॉजिटिव का केस कीजिएगा, तो Mn2 पॉजिटिव के केस में क्या आएगी, Mn अभी हमने किया था इसको 3d5 4s2, आर्गन 3d5 4s2। अगर आप क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव है, तो दो इलेक्ट्रॉन s से चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 3d5। और यहां से हम इनको फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, सारे के सारे कैसे हैं, अनपेड है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 + 5
प्लस टू फॉर्मूले में हमने पुट किया, कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, एंड वी विल गेट 5 × 7 का अंडर रूट, तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 35, और अंडर रूट 35 का जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सप्लेन। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं वो रिपेल किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, जो एच था आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जो सारी की सारी चीजें होती है सबकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सबकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, मतलब कि जाई की, एच की, इन सब की वैल्यू नेगेटिव होती है, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू लेस देन क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सेप्टेबिलिटी, सबकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की जो वैल्यू है यहाँ पे कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ये सारा का सारा निचोड़ है इस चैप्टर का, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वेरीज विद द टेम्परेचर, की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है, जाई की वैल्यू जो है या मोलर ससेप्टेबिलिटी है वो कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन है, सबसे पहले क्या डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी रिलेट करती है उस डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन से, मतलब आपने एक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो कितने हद तक खुद पे मैग्नेटाइजेशन रख सकता है, ले सकता है अपने अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मतलब कितनी मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हो सकती है। ये करेक्टरिस्टिक है किसका, सब्सटेंस का, और ये बहुत ज्यादा क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो आपका जो जाई से इसको हम डिनोट करते हैं, या चाई भी हम उसको बोलते हैं, जाई एम मोलर ससेप्टेबिलिटी, और कई बार यहाँ लिखते हैं करेक्शन। करेक्शन मतलब जो मिस्टेक्स होती है वो हम इनको फेराडे मेथड से हमने इनको करेक्ट किया था, वो आपको जब यूनिट समझाएंगे तब बताएंगे। और बाय 1/T, तो जो आपकी ससेप्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं, जाई एम इक्वल टू सी बाई टी, वेयर सी इज नोन एज क्यूरी कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर है, जाई एम है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि ये कैसे वेरी करती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही आप इनका ग्राफ बनाते हैं किस किस का, जाई एम और टी का, तो आपका जो ग्राफ आता है जाई एम और टी का वो कैसा आता है, जाई एम और टी का ग्राफ आता है आपका ये वाला। यहाँ पे आप स्लोप निकालेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे स्लोप आएगा। और अगर हम एक और ग्राफ की बात करें, 1/ξm और यहाँ पे t, तो आपका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, वो ये ग्राफ आता है। दोनों ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और फिर से कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपको वहां से पता लग जाता है कि पेपर कैसा आता है, सेकंड आपको आइडिया मिल जाता है कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ये पेपर समझ आया हो। अगर आप कोई भी पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको वो सॉल्यूशन करा दूंगी। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।